दिवाली के दौरान शहर में कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केवल कम आवाज और धुआं करने वाले ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने बताया कि दिवाली को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है। इसके बाद पटाखे फोड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। केवल ग्रीन क्रैकर ही फोड़े जा सकते हैं। ज्यादा वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर भी बंदी है, इसलिए पटाखा विक्रेताओं पर निगरानी रखने के लिए विशेष दस्ते बनाए जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने बताया कि केवल ग्रीन पटाखों की श्रेणी वाले पटाखे ही बेचे और जलाए जाएंगे। सभी थानेदारों को अपने इलाके के पटाखा विक्रेताओं पर नजर रखने के लिए विशेष दस्ते बनाने को कहा गया है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें भी गश्त करेगी। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इसके लिए सोमवार से धारा 144 भी लागू कर दी है। कानून के प्रावधान के तहत पुलिस को कार्रवाई करने के अधिकार है। बाजारों में नागरिकों की भीड़ बढ़ गई है, इसलिए सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस को गश्त बढ़ाने को कहा गया है। विशेष तौर पर जेब कतरों और चोरों की जांच की जा रही है। नागरिकों से भी खरीदारी के दौरान सतर्क रहने और अपनी मौल्यवान वस्तुओं का ध्यान रखने को कहा गया है। सीपी की अध्यक्षता में सभी जोन के डीसीपी की बैठक ली गई। कोई आपराधिक घटना न हो इसके लिए असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।